तो बच्चे अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यही बात की कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रहेंगे तो आपने सिंपली इस बात को क्लियर किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैविंग देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल ओके तो अभी हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं ओके तो आपने देखा बेटा यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो कि दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक फैमिली ओके okay. तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं दिस इज़ थ्री फैमिली थ्री एलिमेंट्स अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री ऑर्बिटल के अंदर गया हुआ है तो इसको हम थ्री फैमिली या थ्री एलिमेंट्स का नाम देंगे और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d के अंदर जाएगा और इस सीरीज़ के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 5d के अंदर जाएगा ओके मीन्स ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि क्वाइंस एलिमेंट्स क्या होते हैं क्वाइंस मेटल्स क्या होते हैं या फिर कॉइंस एलिमेंट कौन कौन से हैं तो बच्चे आपने ध्यान देना है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द कॉइन मेटल्स क्वाइन एलिमेंट्स इसके साथ साथ निकल प्लेटिनम और जो प्लेटिनम है दीज एलिमेंट्स आर मोस्ट पॉबली यूज फॉर द रिडक्शन प्रोसेसिज यूज फॉर द हाइड्रोनी हाइड्रोजिनेशन एज अ कैटलिस्ट ओके और जिस जिंक कैडमियम और मर्करी की हम बाद में बात करेंगे तो फर्स्टली आपने यही बात को ट्राई करना है कि हमारे को फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है फर्स्ट जो थ्री डी सीरीज है थ्री डी सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ना है बिकॉज थ्री के बाद पढ़ने के बाद जो फोर रहेगा और जो फाइव रहेगा बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एज जो कि जो बिहेवियर आपका थ्री सीरीज़ फॉलो करेगी फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कल, कल, है कि हमारे को पता है कि जो जिंक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है दैट इज़ थ्री डी टेन फोर एस टू सभी बच्चों को पता है और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कैडमियम और मरकरी की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है फोर डी टेन एंड फाइव एस टू जिस ही से इलेक्ट्रोकॉन्फिग्रेशन कैडमियम और मरकरी के अंदर भी यहाँ पे शेल नंबर ही चेंज होने वाला है यहाँ पे फाइव डी टेन आ जाएगा और यहाँ पे सिक्स एस टू आ जाएगा ओके तो अब हमने जैसा कि मैंने अभी बात बोली दीज एलिमेंट्स दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओके तो बच्चे ध्यान देना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों डिफाइन किया है इनको ये तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है यहाँ पे आप देख सकते हो दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस कारण की जो इनका बिहेवियर है वो बिहेवियर एस और पी के बीच का होता है एस और पी के बीच का बिहेवियर होने के कारण हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम भी देते हैं मीन्स आपका जो मतलब रहेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग द इन बिटवीन बिहेवियर ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक दे आर फॉर दिज एलिमेंट कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब जो ये एक थियोटिकल डेफिनेशन थी कि जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बोल सकते हैं अब इसके साथ साथ जो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ओके तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट की वो ये रहेगी कि अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन D129 बन रही है ध्यान देना बेटा कि अगर किसी एलिमेंट की लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन D129 बन रही है दीज एलिमेंट दैट एलिमेंट विल बी नोन एज आ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये वाली होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट और नोट यू नो वेरी वेल स्कैंडियम हैविंग द डी वन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इट मीन्स स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एज वेल एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट अगर यहीं पर बात होती है आपकी जिंक की जिंक हैविंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डी टेन बट दिस डज नॉट फॉलो द दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग द डेफिनेशन इज दिस वन डी वन टू नाइन अगर वन टू नाइन हो रहा है तो वो वो एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा ओके तो आपने इस बात का ध्यान रखना है जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक कैडमियम एंड मर्करी इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहा है दिस इज क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो अब हम इसी बात को पढ़ने वाले हैं कि आपने ध्यान दिया न्यूट्रल जिंक कैडमियम एंड मर्क्री डज नॉट फॉलो द अवर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओके जिंक कैडमियम और मर्करी की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है दैट इज नॉट डी वन टू नाइन ओके देआर फोर जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओके अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करते हैं जो कि आपका एन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम कोपर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ध्यान देना बच्चे कोपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट और नोट कोपर की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन है दिस वन इज डी टेन फोर एस वन ओके तो बच्चे ध्यान देना है कि कोपर की दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इज दिस वन बट जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन होती है दैट इज कॉपर प्लस टू और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन रहेगी वो रहेगी डी नाइन कोपर प्लस टू तो कोपर की जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है दैट इज नॉट अ

बट दीज एलिमेंट डोंट प्रोपर डो नोट डो नोट शो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर एक्साइटेड इलेक्ट्रोकॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली फॉलो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डेफिनेशन ओके तो यहाँ तक आपने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आज जो आपका होमवर्क रहेगा वो यही है कि आपने बचा इनकी इलेक्ट्रोकॉन्फिग्रेशन को अच्छे से नोट कीजिए और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर को रिकवर करेंगे थैंक यू